इंटरमीडिएट के प्रोज बुक के थर्ड लेसन द होमकमिंग की हिंदी स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। ये उस समय के महान भारतीय कवि, नाटककार, उपन्यास लिखने वाले और शिक्षा शास्त्री थे। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने ही हमारा राष्ट्रगान जनगणमन लिखा है। ये तो था हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का परिचय। अब हम आते हैं अपनी कहानी होमकमिंग के ऊपर। तो होमकमिंग जब हमारा लेसन स्टार्ट होता है, हमारा पाठ स्टार्ट होता है, उस समय नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अर्थात मटर गस्ती कर रहे हैं। उनमें मुख्य पात्र जो हमारे इस कहानी का है पथिक, वो वहां उन लड़कों के साथ खेल रहा है। पथिक पूरे लड़कों का जो ग्रुप है, सरगना है उनका, सबका लीडर है। जैसा वो कहता है वो लड़के वैसा ही करते हैं। नदी के किनारे ये सभी खेल रहे हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है लकड़ी का, जिससे नाव का मस्तूल बनना है। तो इनके दिमाग में, पथिक के दिमाग में एक शरारत सूझती है। वो उस लट्ठे को उठा करके कहता, सोचता है मन में कि इसे यहाँ से हटा करके हम दूसरी जगह डाल दें तो इसका मालिक आकर के आश्चर्यचकित हो जाएगा कि उसका ये लट्ठा वहां कैसे पहुंच गया। तो वो अपनी ये बात अपने जो उनका गैंग है, उसके बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्हें बताता है, अपने समूह के दूसरे बच्चों को बताता है। वो लट्ठा खिसकाने ही वाले होते हैं, इतने पथिक का छोटा भाई माखन वहां पर आ जाता है। माखन वहां आ जाता है तो माखन और पथिक की कभी भी आपस में बनती नहीं है। दोनों भाइयों में बहुत अंतर है। माखन पढ़ने वाला और समझदार सा है, उसकी माँ के अकॉर्डिंग, उसकी माँ के अनुसार माखन पढ़ने वाला और समझदार है, और पथिक घूमने वाला और आवारा गर्दी करने वाला है। तो वो आकर के उस जो लकड़ी का लट्ठा पड़ा था उसके ऊपर बैठ जाता है। लड़का उसे चेतावनी देते हैं, हट जा, लेकिन वो नहीं हटता। तो लड़के माखन की तरफ देखने लग, तुम लड़के पथिक की तरफ देखने लगते हैं जब माखन नहीं हटता है। तो पथिक लड़कों से कहता है, पहले माखन को हटने के लिए कहता है, जब वो नहीं हटता तो पथिक लड़कों से कह देता है कि तुम इस खंभे को इसके साथ ही खिसका दो। वो लड़के जब उस लट्ठे को खिसकाने लगते हैं तो माखन गिर जाता है और वो रोता हुआ पथिक की पिटाई कर देता है, और उसके बाद रोता हुआ घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचता है, अपनी माँ से शिकायत करता है, तो उसकी माँ गुस्से में आकर के पथिक को ढूंढने के लिए घर के नौकर को भेज देती है। घर का नौकर आता है, उससे पहले ही वहां एक नाव आकर के रुकती है। उसमें से एक व्यक्ति उतरता है और वो भूरे वालों वाला और घनी मूछों वाला है। वो आकर के पथिक से चक्रवर्तियों का घर पूछता है। पथिक चक्रवर्ती वो खुद था, उन्हीं का घर पूछता है वो, लेकिन वो मुंह में तिनका दबाए हुए कह देता है वहां है। जब वो उसकी समझ में नहीं आता, दोबारा पूछता है तो वो कह देता है कि तुम खुद जा करके ढूंढ लो। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। इतने में ही नौकर आता है और पथिक को जबरदस्ती घसीटते हुए उसके घर ले जाता है। वहां पर उसकी माँ पूछती है, तुमने माखन को दोबारा क्यों मारा? पथिक मना कर देता है, लेकिन माखन ने आकर के झूठ बोला था अपनी माँ से, तो वो अपनी बात पर डटा हुआ रहता है और वो कहता है कि मुझे पथिक ने मारा था। जब पथिक ये सुनता है कि ये झूठ बोल रहा है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उठ करके जाता है और माखन के 3-4 थप्पड़ मारता है। उसकी माँ बचाने के लिए उसे बीच में आ जाती है, तो पथिक गुस्से में आकर के अपनी माँ को भी धक्का देता है। इससे उसकी माँ चिल्लाने लगती है उसके ऊपर। इसी समय पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ? पथिक की माँ जब मुड़कर देखती है तो वो अजनबी उसे खड़ा हुआ दिखाई देता है। पथिक भी उसे देखता है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने उससे चक्रवर्ती के घर का रास्ता, उनके घर का रास्ता पूछा था। पथिक की माँ उस व्यक्ति को पहचान जाती है। वो उसका भाई था और उसकी शादी होने के बाद बम्बई जाकर के रहने लगा था। उसके बाद वो अब आया था कलकत्ता, तो उसने देखा, उसने अपनी बहन के बारे में पता किया, तो उसे पता चला कि उसकी बहन विधवा हो चुकी है, तो वो उससे मिलने के लिए आया था। सभी बैठ करके बातें करने लगते हैं। पथिक के मामा जब पथिक की माँ से पथिक के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि ये तो कहना नहीं मानता है, पढ़ता नहीं है, तो वो उसे ले जाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वो पथिक से पूछते हैं तो पथिक खुश होकर के हाँ कर देता है।
धीरे धीरे खुशी से कुछ दिन बीत जाते हैं। पथिक रोज अपने मामा से पूछता है कि वो लोग बंबई कब जाएंगे। इसी तरह समय व्यतीत होता रहता है। पथिक के मामा का जाने का समय आ जाता है तो पथिक उससे पहले अपने सभी सामान खेलने के अपने छोटे भाई माखन को दे देता है और माखन के प्रति वो दिन प्रतिदिन उदार होता जाता है, उससे लड़ाई नहीं करता। एक दिन जाने का समय आ जाता है, उसके मामा उसे लेकर के अपने घर पहुंचते हैं। वहां उसके मामा के पहले से ही बच्चे थे। उसके मामी उसे देख करके खुश नहीं होती है, उसे बहुत बुरा लगता है कि ये गंवार लड़का गांव का आकर के मेरे बच्चों के बीच में रहेगा। पथिक के पिता को इस बारे में पहले पथिक के मामा को इस बारे में पहले सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं और उसे लेकर के चले गए। अब वो 14 साल का लड़का उनके बीच में अपने आप को घुटा हुआ महसूस करता है। यदि वो बड़ों के बीच में बात करना चाहता है तो उसे समझदार समझा जाता है, बच्चों की तरह बोलता है तो उसे बच्चा समझा जाता है। धीरे धीरे उसके इस उम्र के बच्चे बच्चों के साथ जैसा होता है वैसे ही सभी समस्याएं उसके साथ आती हैं। वो खुले में सांस लेना चाहता है, उसे उनमें कलकत्ता के घने मकानों में बंबई के घने मकानों में उसे घुटन होने लगती है। वो मैदान में खेलना चाहता है, उसे सब कुछ अपना गांव, अपनी नदी का किनारा, अपने दोस्त और यहाँ तक कि अपनी माँ भी याद आती है। अब वो सोचता है कि मैं किसी तरह अपने घर चला जाऊं। एक दिन वो अपने मामा से पूछता है कि हम घर कब जाएंगे, तो उसके मामा कहते हैं कि छुट्टियां आने दो, तब तुम घर जा सकते हो। पथिक से एक दिन किताब खो जाती है। वैसे भी स्कूल का सबसे कम पढ़ने वाला बच्चा वो था, उसे कुछ भी याद नहीं होता था। इस बात पर उसकी रोज पिटाई होती थी। जब उसकी किताब खो जाती है तो उसे और भी ज्यादा समस्या होती है, उसकी और अधिक पिटाई होने लगती है। स्कूल में उसके मामा के बच्चे थे, वो भी उससे बात करना पसंद नहीं करते, उन्हें भी उसके साथ रहने में अपनी बेइज्जती महसूस होती है। एक दिन पथिक डरते हुए ये बात अपनी मामी को बताता है कि उसकी पुस्तक खो गई है। उसकी मामी उसके ऊपर चिल्लाती है कि महीने में चार चार पांच पांच बार तुम्हें किताब कहाँ से ला के दी जाए, इस घर में और भी खर्चे हैं। अब पथिक सोचता है कि वो अपने घर चला जाएगा। एक दिन जब वो सो करके जगता है तो उसका सिर भारी भारी रहता है और वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसकी पिटाई होती है। उस दिन बरसात का मौसम था, बारिश पड़ रही थी, वो घर वापस नहीं आता है। जब घर वापस नहीं आता शाम तक तो उसे ढूंढने के लिए उसके पड़ोसी मामा सभी लोग जाते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं मिलता। सब भीग करके वापस आ जाते हैं। थक हार करके वो सुबह पुलिस में जाते हैं। पुलिस उन्हें आश्वासन दे देती है और उसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं। पथिक के मामा इस समय बहुत परेशान हैं। शाम के पूरा दिन बीत जाता है और लगातार बारिश होती रहती है। शाम के समय पुलिस की गाड़ी आकर के उनके दरवाजे पर रुकती है। सभी बाहर जाते हैं। पथिक के मामा देखते हैं कि दो पुलिस वाले पथिक को पकड़ करके ला रहे हैं। जब वो उसके गले लगाते हैं तो वो देखते हैं कि उसे तो बहुत तेज बुखार है और वो पूरा भीगा हुआ है। वो उसे कमरे में ले जाते हैं। उसकी मामी कहती है कि इस लड़के ने हमें पहाड़ जैसी मुसीबतें दी हैं। पथिक के मामा रात भर उसके सिराने बैठे रहते हैं। उसका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो वैद्य को बुला करके लाते हैं, वैद्य दवाई देते हैं, लेकिन उसका पथिक के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो बुखार की वजह से रात में बड़बड़ाने लगता है। पूरी रात उसके मामा उसके सिरहाने उसके सिर पर हाथ फेरते रहते हैं। पथिक को अब अपना गांव और अपनी सभी चीजें दिखाई देने लगती हैं। वो कुछ भी कहता है, बड़बड़ाता है, उसके मामा उससे कहते हैं, वो अपनी माँ को याद करता है कि मैंने पथिक तुम्हारी माँ के पास खबर भेज दी है और वो जल्दी ही आ जाएंगे। दो बैद जी दोबारा देखने आते हैं तो कहते हैं कि बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। पथिक की माँ शाम के समय उसी दिन शाम के समय पथिक की माँ रोती हुई इस कमरे में प्रवेश करती है और वो पथिक को आवाजें लगाती है। जब पथिक कुछ नहीं बोलता तो वो उसे झिड़ने लगती है, उसकी खाट पर गिर जाती है और बहुत अधिक रोने लगती है। धीरे से पथिक को एहसास होता है कि उसकी माँ आई हुई है, तो वो आँख खोल करके अपनी माँ को देखता है और पूछता है, माँ क्या छुट्टियां आ गई? यहाँ ही इसी समय हमारा पाठ समाप्त हो जाता है।